हेलो कीर्ति वर्मा, राधे राधे, आकांक्षा मिश्रा, चीकू, कैसे हैं आप सभी लोग? सब कुशल मंगल तो है ना? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आ जाएं आप लोग। राधे राधे, चीकू, कीर्ति वर्मा, आकांक्षा मिश्रा, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइए। एक नंबर के मजेदार क्वेश्चन से आपकी एनसीईआरटी के, एक नंबर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन से आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं। वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ईबीएस पर्यावरण के अंतर्गत एनसीईआरटी की सीरीज। और यह एनसीईआरटी की सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। हेलो किरण राय, गुड मॉर्निंग किरण, कैसी हैं आप? आकांक्षा मिश्रा, गुड मॉर्निंग। कीर्ति वर्मा जी, किरण राय, बहुत बढ़िया, मैं एकदम अच्छा हूँ। यादव जी, कैसे हो? क्यों यादव जी, मजे हैं ना सब? एटा नरेश, कैसे हैं आप? जल्दी जल्दी से जुड़ते जाओ आप लोग भाई, थोड़े से बच्चे हो जाएं तो अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में, है ना? तो जल्दी जल्दी से आ जाया करो आप लोग फास्ट तरीके से, मजा आएगा। राधे राधे, अनुपम यादव, किरण, कीर्ति, आकांक्षा, चीकू, चलिए खैर क्लास को शुरू कर लेते हैं। धीमे धीमे करके बच्चे आते रहेंगे, है ना? मैं भी एकदम अच्छा हूँ, आप अगर अच्छे हैं तो पर अपन भी अच्छे हैं। चलिए, बाकी आप लोग तो पुराने स्टूडेंट्स हो तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग नए हो इस क्लास में, पहली बार अगर आए हो, तो प्रश्न का जवाब कुछ इस तरह से आप लोग करना। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आपका बी है तो आप लोग लिख दें पहले का बी। दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर डी है तो लिख दें डी। चौथा क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर सी है तो लिख दें सी। यानी कि कहने का मतलब आपका यह है कि प्रश्न की संख्या आप लोग आगे जरूर लिखें, ठीक? प्रश्न की संख्या आपको आगे जरूर लिखनी है। अब चलिए, अब जवाब करिए आप लोग, करिए जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए चार विकल्प पढ़िए, उसके बाद जो भी उचित आंसर हो उचित आंसर को दीजिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी मैथ इंपॉर्टेंट आपकी इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके कई बार पेपर में आ चुके हैं और ये एनसीईआरटी के हैं। बाकी एनसीईआरटी का महत्व तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो। हेलो रोशनी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग रोशनी, पूजा कश्यप, गुड मॉर्निंग। तो सुशील कुमार जी, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ना, गिर वन जीव अभ्यारण्य जो आपका है वो आपका संरक्षण करता है किसका? शेर का। करेक्ट आंसर आपका क्या है? शेर आपका आंसर सही है। पूजा कश्यप, शोभा, रोशनी, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को अपन क्या कहते हैं? सोनपाल सिंह जाट, गुड मॉर्निंग। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता जो मापी यंत्र होता है उसे अपन कहते हैं सिस्मोग्राफ। विकल्प आपका बी सही है। क्या बोलते हैं इसको अपन? सिस्मोग्राफ। और ये जो बैरोग्राफ है ना, इसके माध्यम से हम लोग वायुमंडली दाब नापते हैं। क्या अनुपम? वायुमंडली दाब, ये पेपर में क्वेश्चन आया है। वायुमंडली प्रेशर अगर दाब नापना है तो उसके लिए हम लोग बैरोग्राफ का यूज करेंगे।
और ये कार्डियोग्राफ है, ये आपका क्या है, हृदय है, ये आपका हृदय से संबंधित है ना, ये आपका हृदय का संबंधित आपका हो गया। तो इस तरह से चीजें आपको समझ में आ गई। किरण राय धन्यवाद। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुपम यादव, शोभा, पूजा कश्यप, करिए जवाब। सुशील कुमार जी, आकांक्षा मिश्रा, अंचल द्विवेदी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप अंचल। गिर राष्ट्रीय पार्क, जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में आपका स्थित है बताइएगा। तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहूं, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय पार्क है, वो आपका कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात में आपका स्थित है। और यह है आपका चर्चित है किसके लिए, शेर के लिए। शेर के लिए आपका यह चर्चित है गिर राष्ट्रीय पार्क। आगे चलिए। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। असम का जो प्रसिद्ध है गीतांजलि एक सींग वाला गैंडा जो आपका है, वो आपका किस अभयारण्य, किसके लिए चर्चित है ये बताएगा। एक सींग वाला गैंडा, वो अभयारण्य का नाम क्या है, कहाँ पर आपका है, उसका नाम क्या आपका। तो गीतांजलि उसका जो सही आंसर जो आपका रहेगा, 34 का करेक्ट आंसर रहेगा काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है एक सींग वाले गैंडा के लिए चर्चित है, और वह आपका असम राज्य में आपका स्थित है। कहाँ पर, असम राज्य में आपका स्थित है। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। रोशनी, अनुपम यादव, पूजा कश्यप, गीतांजलि, किरण राय। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। परिता सैनी, राधे राधे, गीतांजलि। तो भूकंप की तीव्रता नापने का जो आपका यंत्र है ना, उसे अपन कहते हैं क्या, सिस्मोग्राफ। ये क्वेश्चन कुछ देर पहले आपका आ भी चुका था, और वही क्वेश्चन आपका दोबारा से भी आपका आ गया। बैरोग्राफ आपका वायुमंडली दाब नापता है, वो कार्डियोग्राफ आपकी हृदय की धड़कन नापता है। चलिए देखिए भाई, ये क्वेश्चंस आपके टोटली एनसीईआरटी के हैं। बाकी एक मैं आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ कि कल से मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज कल से मैं आपको टॉपिक बाई पी वाई क्यू कराऊंगा, है ना। टॉपिक बाई प्रीवियस ईयर आपका रहेगा, ठीक है, और ये टोटली आपका रहेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के किताब से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आपके आया करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं कल से टॉपिक वाइज पूरा का पूरा ईवीएस पढ़ाऊंगा, पूरा ईवीएस आपका टॉपिक वाइज हो जाएगा, आपको मजा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि आपको मैं पढ़ाऊंगा पर्यावरण पढ़ाऊंगा, सजीव पढ़ाऊंगा, सजीव जगत, आश्रय पढ़ाऊंगा, फैमिली पढ़ाऊंगा, भोजन पढ़ाऊंगा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और मृदा, जलवायु, तत्व मिश्रण, ऊर्जा के स्रोत, सौरमंडल एवं पृथ्वी, भारत विविधता में एकता, यात्रा एवं यात्री, भारतीय जनजातियाँ, लोक कलाएँ, त्यौहार, प्राकृतिक आपदाएँ, वन संरक्षण, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, जिससे आपका सीटेट भी कवर हो जाएगा, है ना। इससे आपका सीटेट भी कवर हो जाएगा, सीटेट, और सीटेट के साथ साथ आपके स्टेट्स के टेट भी आपके कवर हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको मजा आएगा। और उसका मैं टाइटल रख दूंगा, उसका टाइटल रख दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए प्लेलिस्ट में जाकर देखने के लिए, एनसीईआरटी सीरीज, है ना। उसका जो नाम रखेंगे अपन, एनसीईआरटी ईबीएस सीरीज, ये इसका नाम रख देंगे, एनसीईआरटी ईबीएस सीरीज भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, इस तरह से हम लोग रख लेंगे।
टाइमिंग उसकी अपन रखेंगे 12 PM, है ना? बढ़िया टाइमिंग रहेगी आपकी 12 PM, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए आपका इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा, ठीक है ना? तो कल से आप लोग किसी भी सूरत में क्लास को मत छोड़ना। दोपहर 12 बजे आपकी क्लास चलेगी और पूरा का पूरा EBS आपका पर्यावरण आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका पूरा हो जाएगा, टॉपिक बाई टॉपिक। हाँ, भाग एक दो, भाग दो अपन कल करेंगे, ठीक? इसका आंसर आपका रहेगा हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका है वो आपका है जिम कार्बेट को अपन लोग हैली बोलते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हैली बोलते हैं, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपका स्थित है। सीमा कुमारी, राधे राधे सीमा, राधे राधे सीमा। बाकी आप लोगों को भी अगर कोई सलाह देनी हुआ करे तो आप लोग सलाह दे सकते हो। आपकी सलाह मोहन सर मानते हैं, है ना? अगर आपको कोई भी सलाह देनी है, कोई मशवरा करना है, अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोई बात बतानी है, तो आप बेझिझक कह सकते हो मुझसे। सर, आपकी क्लास है, हम कभी नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद यादव साहब। आगे चलेगा। रिएक्टर पैमाने से डॉट 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 की तीव्रता नापते हैं। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सुशील कुमार, पूनम, अनुपम यादव, आकांक्षा, सीमा कुमारी, परिता सैनी। तो रिएक्टर पैमाने से हम लोग नापते हैं भूकंप की तीव्रता। क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता अपन नापते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? CDP भी कराएंगे, अभी हम लोग EBS खत्म कर लेंगे, फिर CDP उठा लेंगे। किरण राय, है ना? EBS हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग CDP उठा लेंगे, चिंता मत करिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो आपकी संस्था है, उसका नाम आपका क्या है? आप लोग जवाब करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा, पेपर में आपका कई बार आपका आया हुआ ये IUCN। क्या आपका? IUCN। और यही वो संस्था है जो रेड डाटा बुक जारी करती है। क्या? जो रेड डाटा बुक है, तो रेड डाटा बुक को जारी करने वाली जो आपकी संस्था है, वो आपकी IUCN ही आपकी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन आया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार आपका कौन सा है? रोशनी, राधे राधे, आकांक्षा मिश्रा, पूजा कुमारी, जवाब करिए। हाँ, ए होगा, बिल्कुल होगा पूजा कुमारी, आपकी बात मैंने मान ली है। इसका आंसर जो आपका रहेगा, वो आपका रहेगा वृक्ष मित्र। पर्यावरण के क्षेत्र में जो वन मंत्रालय के द्वारा जो आपका पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है आपका वृक्ष मित्र। क्या आंसर आपका सही है? वृक्ष मित्र आपका आंसर सही है, डी आंसर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। हेलो अनामिका, माहेश्वरी साहब कैसे हो? क्यों? राधे राधे, पूजा कुमारी, गीतांजलि, किरण राय, अंचल द्विवेदी, राधे राधे। महेंद्र यादव जी, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा। ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके जो है ना, वो आपके NCERT के हैं, और आप लोग NCERT का महत्व तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि NCERT के प्रश्न से इम्तहान में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। रेखा सागर, राधे राधे। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत आपकी हुई थी पूजा कश्यप जी, वो आपकी हुई थी सन 1973 में, 1973। अक्सर कुछ बच्चे हैं, अच्छा, इसमें एक विकल्प अगर मैं आपको एक अलग से जोड़ दूं, वो आपका रहेगा 1972। अक्सर आप लोग सामान्य तौर से, चूंकि इसमें 1972 विकल्प में था नहीं, अगर ये विकल्प में होता तो आप लोग जरूर लगाते, फिर आप लोग जरूर लगाते। अनुपम यादव सर, महेंद्र जी को मैं पकड़ के लाई हूं। क्यों महेंद्र, बिना बुलाए नहीं आ पाते? अनुपम यादव पकड़ के लाती है, नाक कटवा रहे हो तो मेरी मेरी आया करो टाइम से। देखिएगा एक्चुअली क्या है, कुछ बच्चे 1972 भी लगाते अगर विकल्प में होता तो, है
है ना, तो आप लोग 1972 मत लगाना, क्योंकि ऐसे याद कर लो कि 1972 1973 में सबसे बड़ा आपका क्या है, 1973, 72 आपका होता है छोटा, और जो आपका टाइगर होता है ना, टाइगर शेर, जंगल का राजा, तो जंगल का राजा तो हमेशा बड़ा होता ना, तो बड़ा वाले में हमेशा बड़ा वाला ही लगाइएगा, 1972 मत लगाइए, अक्सर गलती आप लोग करते हो मुझे पता है। आगे चलिए, मुझे पता है 1972 से कंफ्यूजन करते हैं दवा के, मैं भी किया था पेपर में, मैं भी गलत करके आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे चलिए, सोनम राधे राधे, सोनम दागी, कैसे हैं आप सोनम दागी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कल से महेंद्र समय से आ जा, नहीं तो ये पूनम यादव को घर पे भेजेंगे तुम्हारे, हम अनुपम यादव को, ये घर से पकड़ के लाएगा तुम्हें फिर। हाँ टाइम से आ जाए करो। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क आपका स्थित है, बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क आपका तमिलनाडु में स्थित है। सोनम जी, रेखा सागर, राधे राधे। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रही है वो संस्था आपकी कौन सी है, बताएं आप। हाँ तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा UNDP, है ना, UNDP आपकी वो संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए आपकी कार्य कर रही है। रेखा सागर, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या किया जाए, हो गया तो हो गया, आगे से गलत नहीं होगा मुझे पता है, और आगे से अगर तुमने गलत किया तो चुटैया तानेंगे फिर तुम्हारी हम, समझे। हाँ, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आने लगा है वर्तमान समय में, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका ये, कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पर स्थित है। गीतांजलि जवाब करिए। तो जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान या चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो आपका है वो आपका है चंदौली में, कहाँ पर, चंदौली में। ये चंदौली भी आपका कहाँ पर स्थित है, यूपी में ही, चंदौली आपका उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है ना। अनुपम जी बहुत बढ़िया, सीमा कुमारी अच्छा जवाब कर रहे हैं। अच्छा तुम ये लोग बताओ कि अभी तक लाइक का ही नहीं किए हो, क्यों लाइक ही क्यों नहीं किए, जल्दी से लाइक करो, फास्ट मक्कारी करवा लो तुम लोगों से, बस अगर ध्यान ना दिलवाया जाए तो याद भी लाइक भी नहीं करते आप लोग, जल्दी से लाइक करो, जिसने भी लाइक नहीं किया तुरंत तत्काल प्रभाव से जल्दी से फास्ट। डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, जो डाची ग्राम है राष्ट्रीय उद्यान वो आपका कहाँ पर स्थित है, जवाब करें। डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो आपका है जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है ना। सर अभी 5 लोगों ने लाइक नहीं किया है, अनुपम यादव जी कह रहे हैं सर जी अभी 5 लोग बिना लाइक किए बच गए, जल्दी से लाइक करो जो जो बच गया है फास्ट तत्काल प्रभाव से। हेलो लवी राजपूत, राधे राधे, जिसमें एक तो लवी राजपूत है, इसने भी नहीं किया, अब बचे 4 लोग, और 4 लोग कौन कौन से हैं बता दो जल्दी से ईमानदारी से, लवी राजपूत की तरह। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ बताइए। अच्छा महेंद्र यादव कह रहे हैं सर जी अनुपम ने भी लाइक नहीं किया, क्यों अनुपम, महेंद्र से तुम्हारी हम कुटाई करवाएंगे, वो कह रहा है कि सर जी अनुपम ने भी लाइक नहीं किया, हाँ छुट्टियाँ तनवा देंगे तुम्हारी हम महेंद्र से फिर। चलिएगा अनुपम यादव, मुझे पता है तुम लड़की ही हो, लड़की हो अनुपम यादव, मुझे पता है सर कितनी बार बताऊं आपको मैं घर लूँ, हाँ लड़की हूँ मैं, लड़की तो हूँ मुझे पता है ना। इसका आंसर जो आपका रहेगा ना, प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका है अंचल द्विवेदी जी, कब लागू किया गया, सन 1973 में,
बस आप ऐसे ही याद कर लाना कि जो टाइगर होता है ना वो आपका बड़ा होता है, तो बड़कू का आंसर हमेशा बड़कू रहेगा, बड़कू का आंसर हमेशा बड़कू रहेगा। चलिए आगे चलिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। महेंद्र जी जवाब करिए अगला क्वेश्चन। अंचल द्विवेदी जी, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइएगा। संदीप पटेल जी, राधे राधे, कहाँ पर स्थित है शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है वो कहाँ पर स्थित है। बाकी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, आज मैं पुनः करवा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत ज़्यादा बार आपका आता है। इसी से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अनुपम यादव कह रही है, सर जी ऐसा हो सकता है कि मैं लाइक ना करूं। अब महेंद्र यादव कह रहा है मुझे क्या पता। अच्छा लवी राजपूत कह रहे हैं, सर जी हम भी लड़की हैं। लवी राजपूत आप भी लड़की हो सच्ची? देखिएगा यहाँ पर क्या है, शांत घाटी जो आपका स्थित है वो आपका है केरल में, और इसी घाटी से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। क्या एक आपका आता है शांत घाटी, ये आपका हिंदी वर्जन हो गया, इसी का इंग्लिश वर्जन जो है वो आपका है साइलेंट वैली, इसी का इंग्लिश वर्जन जो है वो आपका है शायद साइलेंट वैली, ठीक। ये आपका इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन हो गया। दूसरा आपका है क्या सिलिकॉन वैली, क्या सिलिकॉन घाटी, दूसरा आपका है सिलिकॉन घाटी, या उसी को अपन लोग कह सकते हैं सिलिकॉन वैली, उसी को सिलिकॉन वैली भी कह सकते हैं। एक आपका है क्या फ्लावर वैली, क्या फूलों की घाटी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्लावर वैली, इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्लावर वैली। ये 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं है ना। तो शांत घाटी जो आपका है वो आपका है केरल में, कहाँ पर आपका है केरल में, वहीं पर जो सिलिकॉन घाटी है ये आपका है कहाँ पर कर्नाटका में। क्या कर्नाटक में, यानी कि कह सकते हैं अपन बैंगलोर, कहाँ बैंगलोर में। और फूलों की घाटी जो आपकी है वो आपकी है उत्तराखंड में। आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं में से कभी कभी आ जाता है, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी आपका ये पूछ लेगा, बस इतने 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और तुम लोग होशियार हो, स्क्रीनशॉट भी तुम लोगों ने कर लिया होगा इसका। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, रेखा सागर कह रही है लवी दीदी आपके नाम से ही पता चलता है कि आप लड़की हो। अच्छा नाम से ही पता चला लेती हो तुम लड़की हो, बड़ा टेक्निकल लड़की है ये तो, बहुत टेक्निकल लड़की है। रेखा सागर कह रही सर जी नाम से हम बता देते हैं लड़का के लड़की, सच्ची और कोई तरीका। चलिए आगे चलो, पौधों और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने किस पुस्तक का निर्माण किया, बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया महेंद्र यादव जी, रेखा सागर जवाब करिए। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा, रोशनी जी करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा लाल डाटा बुक, रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक होती है इससे इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस आते हैं, कि ये जो होती है ना ये जारी करती क्या संकट ग्रस्त वन्य जीव, संकटग्रस्त वन्य जीव प्लस वनस्पति। एक्चुअली क्या है कि आपको वन्य जीव तो पहले से पता है, आपको वन्य जीव पहले से पता है लेकिन आप लोगों को वनस्पति नहीं पता है। तो याद रखिएगा कि जो संकटग्रस्त शोभा से भरे वनस्पति भी जो आपकी होती है वह भी आपकी रेड डाटा बुक में आपकी शामिल की जाती है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा आने लगा है,
क्योंकि आपकी किताबों में ये चीज आपकी लिखी नहीं है ना, इसलिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? उत्तर वन रिपोर्ट 2007 के अकॉर्डिंग बताइए कितने परसेंट पर वन अभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप लोग तुक्का लगाओगे, मुझे पता है सभी लोग तुक्का लगाएंगे, वो आपका है विकल्प नंबर आपका डी, 19.47, इतने पर वन है ना। लेकिन होने चाहिए आपके इतने पर, होने चाहिए आपके इतने पर इतने पर आपके हैं। चलिए शोभा से भरे अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास। बाकी एक मैं आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 50 क्वेश्चन पर, बाकी आपको हो सकता पहले से पता भी हो। एक प्रश्न के बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा। लीना अंजू जी, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, बताइए। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, किस चीज़ को अब्जॉर्ब करते हैं? तो वो करते हैं अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी इसमें क्यों मार दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। विकल्प आपका बी सही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, CO2। ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं, और उत्सर्जन किसका करते हैं, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपका। हेलो मानवेंद्र श्रीधर, राधे राधे, कैसे हैं आप मानवेंद्र श्रीधर जी। याद रखिएगा कि दो शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, उत्सर्जन। अगर उत्सर्जन की बात आए तो फिर आपका आंसर हो जाएगा क्या, CO2 यानी कि ऑक्सीजन है ना। क्योंकि उत्सर्जन का मतलब आपका होता है छोड़ना, क्या छोड़ना, यानी कि अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन उत्सर्जन करते हैं, छोड़ते हैं किसको, ऑक्सीजन को, CO2 को। समझ गए ना, ये अंतर होता है आपका पेड़ पौधों में। भूकंप मापा जाता है, भूकंप होता है उसे अपन कैसे मापते हैं, बोफोर्स पैमाने से, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप मापा जाता है, बताइएगा। तो भूकंप को हम लोग मापते हैं किससे, रिएक्टर पैमाने पर है ना, किस पर, रिएक्टर पैमाने पर हम लोग भूकंप को नापते हैं। विकल्प नंबर आपका डी सही हुआ, बहुत बढ़िया। अनुपम यादव, रूबी, मानवेंद्र श्रीधर जी, कैसे हैं आप सब, कुशल मंगल तो है। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन अंचल जी। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मेरी बात को बहुत मन से आप लोग सुनिएगा, बहुत दिमाग से आप लोग सुनिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कल से है, यानी कि कल से आप लोगों का EBS टॉपिक वाइज शुरू हो रहा है, EBS टॉपिक वाइज, EBS जो आपका है वो आपका टॉपिक वाइज आपका शुरू हो रहा है ना, टॉपिक वाइज आपका शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कल से आप सभी लोगों के EBS यानी कि पर्यावरण आपका टॉपिक वाइज शुरू हो रहा है, PYQs, यानी कि मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक मैं आपको EBS पढ़ाऊंगा कल से। और इसका हम लोग भाग बना देंगे कैसे, EBS NCERT सीरीज, EBS NCERT सीरीज भाग एक, भाग दो, भाग तीन, ठीक है ना। तो ये आपका PYQ चलता रहेगा दोपहर 12 बजे, समय आपका रहेगा दोपहर 12, डेली क्लास आपकी होगी। और जो आपका EBS का थ्योरी वाला बैच चल रहा है, EBS का जो थ्योरी वाला बैच चल रहा है, वो थ्योरी वाला बैच आपका 2 PM पर रहेगा, है ना, समझ रहे ना। थ्योरी वाला बैच जो आपका होगा EBS का, पर्यावरण का जो थ्योरी वाला बैच चल रहा है, ऑलरेडी 6 बैच आपके हो चुके हैं, 6 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं, वो आपका रहेगा 2 PM पर थ्योरी, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन है, तो ध्यान से एक आप लोग क्लास को, दोनों को अच्छे से लीजिएगा,
बर्नेस कुमार जी राधे राधे, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का स्टार्टिंग आपका किया गया 1973 में, 1973। चलिए आगे चलेगा। लीना जी, सीडीपी का आपका शाम को चलता है ना? रूबी कुमारी, सीडीपी तो आपका शाम को चलता ही है, उसमें क्या दिक्कत है? सीडीपी तो शाम को फिक्स है आपका, पक्का है सर जी? टाइम 1 बजे से रख लो। अच्छा, अगर बाकी लोगों को भी दिक्कत है अगर 12 बजे तो मुझे बताएं, फिर तो मैं टाइम चेंज कर लूंगा। अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर 12 बजे फिक्स है आपका। अनुपम यादव, 12 बजे कहाँ जाना है? 2 PM पर कहाँ जाना है? कहाँ जाने के मूड में हो? क्यों कहाँ जाने के मूड में हो? टीचर कैप्सूल पर ही आना है, उसके अलावा और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, हाँ जाने के लिए उपास ही बैठी लड़की। चलिएगा संदीप पटेल जी, अभी ऑफिशियल रूप से पार्ट नहीं हुआ, ऑफिशियल रूप से पार्ट होते ही मैं आपको बता दूंगा। वनों के महत्व का कारण बताएगा क्या है? वनों के महत्व का कारण। गुड मॉर्निंग शशिलता जी, गुड मॉर्निंग सुशील कुमार, साधना पटेल। तो इसका जो आपका सही आंसर है ना, ग्रीन गोल्ड है ना। वनों के महत्व का कारण आपका क्या है? ग्रीन गोल्ड आपका सही है। आपका इसी को हम लोग बोलते हैं हरित सोना। क्या? हरित सोना, हरित सोना। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपके पास नेक्स्ट करेगा लीना अंजू। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आप लोग इतने भ्रमित हो गए सर जी, सीटेट का सिलेबस चेंज हो गया। मैं तो आपको सीटेट को उसी आपके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, मैं तो आपको सीटेट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कि सीटेट में जो आपकी चीजें पढ़ी ना, वो आपकी पढ़ी है निर्णय शक्ति वाली। क्या पढ़ी है आपकी? निर्णय शक्ति आपकी बढ़ी है। निर्णय शक्ति का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। जो सीटेट में जो पोर्शन आपका चेंज हो रहा है वो आपका निर्णय शक्ति यानी कि डिसीजन मेकिंग। तो सीडीपी में तो सारी की सारी चीजें मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट पर ही पढ़ाता हूँ। बाल विकास में मैंने आपको कभी भी, बाल विकास में मैंने आपको कभी भी याद नहीं करवाया है, रटवाया नहीं है। मैं तो आपको सीडीपी में वैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें पढ़ाता हूँ, तो सीडीपी का तो आपका पूरा डिसीजन मेकिंग आपका बेहतरीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अगर डिसीजन भी लोगे, टीचर को डिसीजन के लिए बोल दिया जाए, स्टूडेंट को डिसीजन के लिए बोल दिया जाए, तो वो तो निर्णय तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, निर्णय तो हमेशा सकारात्मक लिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आपको, है ना। मोस्टली चीजें आपकी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से आपकी बन जाएंगी। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चले। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण आपका क्या है? तो प्रमुख लक्षण जो आपका रहेगा, वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड, एक गर्मी में अधिक गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड होना, ठंड में कम ठंडी, गर्मी में अधिक गर्मी। बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, करिए जवाब। तो मैंने आपको कहा था सर हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तुम्हारी अंडर अलग कर देंगे, स्टैंडिंग अलग कर देंगे तुम्हारा। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एकदम गजब की है, लल्लन टॉप, एकदम लल्लन टॉप। जो बताओ तुम, आराम हुआ कि नहीं हुआ दवाई से? दवाई वापस करने के लिए क्यों जा रही हो आप? काहे क्यों दवा वापस करने जा रहे हैं? आराम नहीं मिल रहा उससे? इसका आंसर आपका है भाई विकल्प नंबर ए। जो आपके उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं वहां पर आपकी वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वर्ष भर सूर्य की किरणें आपकी सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां पर आपका हमेशा बारिश होती रहती है, पानी बरसता रहता है आपका। आइए हम लोग आगे चलें। हाँ, ये लवी राजपूत का अंडर अलग है, स्टैंडिंग अलग है, दोनों के दोनों अलग हैं इसके। चलिए अगला देखिएगा। अच्छा, लीना अंजू कह रहे हैं सर जी आपसे मैथ पढ़ाना है, मैथ्स मेरा बहुत वीक है। बिल्कुल मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी से आपकी मैथ की क्लासें लगेंगी, चिंता मत करिएगा। चलिए, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से आपका कौन सा राज्य जाना जाता है?
तो उसका आंसर जो आपका रहेगा गुजरात। क्या विकल्प नंबर आपका सही है गुजरात। टाइगर स्टेट के नाम से हम लोग किसको पहचानते हैं? गुजरात को। सही बात है कि नहीं है बताओ? क्यों गुजरात आंसर सही है कि गलत है? बताओ। अच्छा गुजरात सही है। लीना अंजू अनुपम यादव गुजरात सही है। टाइगर स्टेट में गुजरात सब लोग सही लगा रहे हो। बाबले तुम लोग इतनी जल्दी से बहक जाते हो, इतनी जल्दी से बहक जाते हैं तुम लोग भी, मतलब एक नंबर के रजिस्टर्ड मक्कार हो। भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित, भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित हो एकदम मक्का। जो आपका टाइगर स्टेक जो आपका है ना, वो आपका है एमपी, मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेक बोलते हैं, समझे ना? मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेक बोलते हैं। चलिए आगे चलिए, मक्कारी करवा लो तुम लोगों से बस, और कुछ ना करवाओ। ये आपके पास अगला क्वेश्चन आया, रूबी कुमारी, राधे राधे, रुचि अग्रवाल कैसी हो? रुचि राम राम। रुचि अग्रवाल जी राम राम। कहाँ से हैं आप रुचि? कानपुर से हो क्या? कानपुर से क्यों लड़की? देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। बताएगा, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है, उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? अच्छा क्वेश्चन आपका ये, बताएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। एक्चुअली ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं, जो आपके पेपर में कई बार आपके आ चुके हैं, एक बार नहीं न जाने कितने बार आपके पेपर में आए हैं। तो रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखती है जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से अलग है, उसने केरल में कौन से वृक्ष आपके देखे होंगे? इसका जो आपका सही आंसर है आपका सुशील कुमार, सुवेद यादव, रुचि अग्रवाल, अंचल द्विवेदी जी, तो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा नारियल के। एक्चुअली आपका क्या होता है, केरल में आपके नारियल के वृक्ष आपके पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये टोटली ये क्वेश्चन आपके जो है वो आपके एनसीईआरटी के हैं, याद रखिएगा। एनसीईआरटी रियली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब होती है, क्योंकि एनसीईआरटी के आपके इम्तिहान में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं, सीधे के सीधे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और ये चार क्वेश्चंस थोड़े से आपके कठिन है। ये आपके चार क्वेश्चन आपके थोड़े से कठिन है, आप लोग बिलबिलाना मत, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है क्वेश्चन, पर आप चिंता मत करना, आंसर बन जाएगा आपसे। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका क्या है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप पर आयोजन कर रही है ना? महेंद्र जी बताएगा, पूजा कश्यप, रुचि अग्रवाल। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, वन संरक्षण पर वाद विवाद यानी कि डिस्कशन की प्रतियोगिता का आयोजन करें, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार को दिखाना। बताएगा इसका आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है? बताएगा अनुपम यादव जी, बिल बिलाने का मतलब होता है विचलित हो जाना। तुम लोग भी ना बिल्कुल समझ में नहीं आता तुम लोगों को, एकदम बुंदेलखंडी। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वृक्ष वाले का, विकल्प नंबर आपका डी, संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी क्रियाकलाप करने चाहिए बताइए। डी आंसर आपका सही है, ये आंसर आपका सही है ना, बारे में समय से बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करेगी। डी आंसर आपका सही 56 का। अगला चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, पढ़िए, बस चार क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, आप लोग टेंशन मत लेना, केवल चार क्वेश्चन आपके कठिन है, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा आप लोग। चलिए ये अगला क्वेश्चन आपका,
प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका अलग है, सेम नहीं है। ये क्वेश्चन आपका अलग है, सेम नहीं है। अनामिका महेश्वरी अलग है आपका, आकांक्षा मिश्रा, राधे राधे, महेंद्र यादव, पूजा कश्यप, अनुपम यादव, रुचि अग्रवाल। सही आंसर क्या है बताइएगा सभी लोग। आराम आराम से पढ़िए। तो इसका जो आपका सही आंसर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका सी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों के भंडार दिखाना, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त नहीं है, समझे? चलिए आगे चलिएगा। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये चार क्वेश्चंस आपके कठिन थे, मैंने आपको कहा था कि ये चार क्वेश्चंस आपके कठिन है और आप इन कठिन क्वेश्चनों में घबराओगे नहीं। अब आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और बताइएगा इसका आंसर आपको क्या होगा। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई करना, बांधों का निर्माण करना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटियों का इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों को पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, जंगलों के नुकसान होने के लिए जिम्मेदार है, जंगलों की क्षति होने के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा 58 का आंसर आपका क्या होगा। करिए सभी लोग जवाब जल्दी से। तो इसका जो आपका आंसर होगा वह आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका सी। वर्णेश जी, सी आंसर आपका बेस्ट है। क्यों? खानों का उत्खनन और खुदाई, नीचे इनमें से कौन सा जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? तो एक तो खानों का उत्खनन और खुदाई, और आपका क्या है, बांधों का निर्माण करना। इन दो चीजों की वजह से आपके जो जंगल हैं वो आपके नष्ट होते जा रहे हैं। विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। सर जी, एंटी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, इनकी दवा ना फायदे की, कोई सीधा ऊपर वाले डॉक्टर से मिलाने गए। हाँ जाओ जाओ जाओ, कह दियो तुम जो समझ रहे। तो हम कछु का सीधी लड़की है, हम जौंदना मूड पे आ जाए ना तब तुम्हें समझ में आ जाए। वो ज़्यादा सीधाई को फ़ायदा ना उठाओ तुम डॉक्टर साहब। हाँ, दिमाग से अगर हम खिसक गए ना, ये कितना है। मोहन सर जी हमें पगलो पगलो बोलते हैं। तुम डॉक्टर को बता दियो ये सब चीज़ें। एक तो तुम लोग सीधे हो बहुत, कुछ बताते नहीं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब से कह दिया करो, एक तो तुम हमें सीधा मानते हो। जो दिमाग खिसक जाएगा ना हमारा, वही दिन पता चलेगा तुम्हें फिर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास आता है। ये क्वेश्चन से भी पेपर की दृष्टि से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके कई बार आपके पेपर में आए हैं। चलिए इसका जवाब करिए आप लोग, जल्दी जल्दी से करना, थोड़ा सा स्पीड में, है ना, हल्का सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। एक बार नहीं, ना जाने कितने बार मैंने ये क्वेश्चंस आपको कराए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा पढ़िए और जवाब करिए। रेखा सागर, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो सही होगा वो आपका रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस। विकल्प नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं और कल से मैं आपको टॉपिक वाई एनसीईआरटी कराऊंगा पूरा, है ना, टॉपिक वाई एनसीईआरटी में आपको कराऊंगा। करिए जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली तुम लोगों के अकॉर्डिंग तुम लोग जो कह रहे हैं तीसरा होगा, वो तीसरा नहीं होगा आपका। इसका आंसर जो आपका रहेगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपका होगा, निम्न में से किस ऊर्जा प्रवाह में एक दिशी होता है? तो वो आपका होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह आपका एक दिशी होता है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ। ऊर्जा जो आपकी होती है
ऊर्जा हमेशा आपके नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा आपकी एनर्जी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास है अगला क्वेश्चन। सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है, बताइएगा। सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका संबंध आपका निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से आपका संबंध था और ये आपका उत्तराखंड में आपका संबंध रखता है, उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। रिक्त स्थान यानी कि पौधा होता है ना, पौधा पौधा को टिड्डा खा लेता है, टिड्डा को कौन सी चीज खा लेती है, उस चीज को सांप खा लेता है, उस सांप को मोर खा लेता है, तो बताइएगा इस जगह पर आपका क्या आना चाहिए। तो इस जगह पर आपका जो आना चाहिए वो आपका आना चाहिए मेढक। क्या? मेढक। पौधा होता है, पौधा को टिड्डा खा लेता है, टिड्डा को मेढक खा लेता है, मेढक को सांप खा लेता है, और सांप को मोर खा लेता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? बी आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? इकोलॉजी सिस्टम। इकोलॉजी सिस्टम का एग्जाम्पल आपका क्या है, बताएगा। इकोलॉजी सिस्टम का एग्जाम्पल, तो इकोलॉजी सिस्टम का जो आपका एग्जाम्पल है वो आपकी तीनों के तीनों चीजें आपकी हैं, सवाना प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, इन तीनों के तीनों जगह पर आपका इकोलॉजी सिस्टम पारिस्थितिक तंत्र आपका पाया जाता है। बहुत बढ़िया लीनांजू, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाकी अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से आप लोग लाइक कर लो, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लेना। और आज दोपहर 12 बजे आपका ईवीएस थ्योरी वाला बैच जो आपका चल रहा था, ईवीएस थ्योरी का बैच, वो आपका उसका अगला भाग रहेगा, शायद भाग 6 या 7 रहेगा, भाग 6 या भाग 7 आपका है ईवीएस थ्योरी वाले का। तो आप लोग दोपहर 12 बजे आप लोग कॉपी पेन लेके आ जाना, समय से ध्यान से, मजा आएगा आपको। कॉपी पेन लेके आना, और आप लोग, इसका आंसर आपका वन्यजीव सप्ताह आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका मनाया जाता है। अब देखिए यही आप लोग गलती करते हो, देखिएगा सुशील कुमार ने देखो 6 का C बताया, सुशील कुमार ने 6 का C बताया, बिल्कुल आपकी बात जायज है सुशील कुमार जी, कि इसका आंसर जुलाई कुछ बच्चे लगाते हैं शशिलता, है ना? ठीक है, नाम कामेश्वरी सर, किसी क्लास में परियोजना करा दीजिएगा। कौन सी नदी पर स्थित है अनामिका? ठीक, कल कर लेंगे हम लोग, बताओ। अनामिका महेश्वरी थ्योरी वाली क्लास में हम कल परियोजना ही कर लेंगे, है ना? थ्योरी वाली क्लास में अनामिका महेश्वरी हम लोग परियोजना ही कर लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन आप मुझे एक SMS कर देना बस, ध्यान से, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे सुबह 10 बजे या 11 बजे यानी क्लास होने के आध घंटा पहले मुझे SMS करके बता देना, सर जी आज परियोजना करवा दो व्हाट्सएप पर, इतनी जिम्मेदारी आपको निभानी है। अभी आप ऐसे याद कर लो, देखो वन्य जीव जो आपके जीव जंतु होते हैं ना, जीव जंतु, उनके टायर होते हैं टायर, ट्यूबर, 4 टायरा होते हैं, कितने? 4 टायरा, 4 टायरा, 4 पैरों वाले। तो ऐसे याद कर लो, ट्यूबर, ट्यूबर ऐसे याद कर लो, तो आप लोगों को महीना में गलती नहीं होगी, आगे चलेगा। लीनांजू पता नहीं क्यों करती हो बेटा गलती, वन्य जीव जीव होते ना जीव, उनको 4 टायरा होते हैं, 4 पैर होते हैं, गाय होगी वो भी 4 पायरा, बाघ होगा वो भी 4 टायरा, खरगोश होगा वो भी 4 टायरा, तो सारे के सारे वन्य जीव आपके हमेशा 4 टायरा होते हैं, 4 ट्यूबर, ट्यूब ट्यूब ट्यूब, तो महीना आपको याद रहेगा। आगे चलिए, लवी राजपूत कह रही है सर जी जीजा जी की कॉल आ गई थी, क्या जीजा जी की कॉल आ गई थी? कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है ना। चलिएगा आगे चलिएगा, शशिलता यादव, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल पाया जाता है, बताइएगा। स्थल मंडल आपका कितने परसेंट भाग पर पाया जाएगा? तो वो आपका रहेगा 29, है ना? 29% भाग पर आपका स्थल मंडल पाया जाता है शशि अग्रहरी। अभी अभी मैं आपको बता देता हूँ शशि अग्रहरी, क्लास के अंत में मैं आपको क्लास का टाइम टेबल बताऊंगा।
स्थल मंडल जो आपका होता है वो आपका 29 में पाया जाएगा, और जो आपका जल मंडल होगा वो आपका 71 में पाया जाएगा। जल मंडल आपका 71 में आपका पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए और जल्दी जवाब करिए। रूबी पटेल, अनुपम यादव, अनामिका, बहुत बढ़िया। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास आया रूबी कुमारी, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेचर की फंक्शनल यूनिट आपकी क्या है। तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है, सभी लोग जवाब करिए। कई बार समझाया इस क्वेश्चन को मैंने आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार समझाया है, जो उचित आंसर है सभी का आंसर मुझे चाहिए। प्रकृति की फंक्शनल यूनिट, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई आपकी क्या है। बहुत बढ़िया पूजा कश्यप, तो प्रकृति की जो आपकी क्रियात्मक इकाई है ना वो आपकी है पारितंत्र, इकोसिस्टम। याद रखिएगा कि पारितंत्र को हम लोग परिसी तंत्र भी कहते हैं। पारितंत्र को हम लोग परिसी तंत्र भी कहते हैं, दोनों के दोनों चीजें आपकी एक ही मानी जाती हैं। आगे चलिए। अच्छा सर जी, ससुर जी की कॉल आई थी। अच्छा जीजा जी के ससुर की कॉल आ रही है, बहुत बढ़िया, मतलब उच्च स्तरीय कॉल आ रही है, उच्च स्तरीय। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास आया, अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु अपनी जान गंवा दी, बताइएगा। अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा खातिर अपनी जान गंवा दी थी, तो वो वृक्ष था आपका खेजड़ी का, खेजड़ी का। और यह जो आपका खेजड़ी का वृक्ष है वो आपका राजस्थान से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? राजस्थान से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास आपकी अंतिम दौर में चल रही है, केवल क्लास आपकी 7 या 8 मिनट और चलेगी, 7 या 8 मिनट क्लास आपकी और चलेगी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, बताएगा। अनामिका महेश्वरी, हाँ एकदम सही कह रही हो अनामिका महेश्वरी, कह रही है कि जब कभी भी जीजा के ससुर की कॉल आती है, मतलब मेरे ससुर की कॉल आती है, तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते अपन। हाँ ये बात तो सही है, ससुर भी पापा के समान होते हैं ना, इसलिए तुम लोगों के दो दो पापा होते हैं, लड़की लोगों के दो दो पापा होते हैं, दो दो पापा, एक घर वाले पापा, एक घर के बाहर वाले पापा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपका क्या होता है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो आपका होता है वो आपका होता है सूरज, सन। बी आंसर आपका सही हुआ अंचल द्विवेदी जी, बहुत बढ़िया। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है, बताइएगा। ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो आपका है वो आपका संबंधित होता है किससे, खाद्य श्रृंखला से। किसके? खाद्य श्रृंखला के। विकल्प नंबर आपका सी सही है, बहुत बढ़िया। अनुपम यादव कह रही नहीं सर जी, 4 भी हो जाते कभी कभार। अनुपम यादव कह रही नहीं सर जी, 4 भी हो जाते कभी कभार। सर जी दो पापा तो सर जी शादी के पहले ही हो जाते हैं, सर जी दो पापा तो साले, वो भी फर्जी वाले। जिनकी वजह से फिर कहना, रोते भी हैं आप लोग हैं, जिनकी वजह से आप लोग रोते भी हैं, रोते भी हैं। बहुत मजा आता है तुम लोगों की शादी के पहले प्रेम प्रसंग की दुनिया में। कल एक पता नहीं एक लड़की की कॉल आई, पता नहीं क्या हुआ, कल एक लड़की की कॉल आई, कह रही सर जी सच्ची बता हमने कि हाँ क्या हुआ, सर जी सच में दुनिया में सर जी किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। वो लड़की ने केवल एक चीज बोली बस, सर जी सच्ची में दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता।
हम अपन समझ गए तुरंत ही, अपन तुरंत ही समझ गए इलू इलू वाला चक्कर है। बस इतनी बात से अपन समझ गए हाँ बेटा इलू इलू वाला चक्कर है। बाकी चीजें फिर हमने बताई, बस उसने केवल इतना बताया सर जी किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर हमने समझ लिया हाँ लड़की को संवेदना देनी है, लड़की को सांत्वना देनी है, बाकी चीजें अपन समझ गए पहले से। चलिए आगे चले अपन। ये पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका है वो आपका कब मनाया जाएगा? 5 जून को मनाया जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। आपके पास अगला क्वेश्चन आया, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बताएगा अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? साक्षी अग्रहरी अभी तो खैर नहीं होगी, अभी नहीं होगी साक्षी अग्रहरी, बाकी जैसे होगी तो मैं आपको बता जरूर दूंगा। हेलो अन्नू, राधे राधे। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो उसे अपन कहते हैं क्या? मृतक भक्षी। विकल्प नंबर बी आपका सही है, मृतक भक्षी। अच्छा रेखा सागर, ऐसी बात है। विकल्प नंबर आपका बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखेगा, ये आपके पास है अगला क्वेश्चन। क्लास आपकी खत्म होने के लिए आ रही, कुछ ही देर में क्लास आपकी पूरी हो जाएगी। शशिलता जी जवाब करिए। अनामका महेश्वरी करिए सर जी, ऊट पटांग के कॉल आपको भी आते हैं दबा के, पेलम पेल आते हैं पेलम पेल। देखिएगा मेधा मिश्रा जी आप लेट आई हो आज, काहे बहुत लेट आई हो आज। निम्न में कौन सा क्रम इकोलॉजी सिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह संबंध सही है? बताएगा पूनम जैन, राधे राधे पूनम कैसी हो। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? उत्पादक, उपभोक्ता और आपका अपघटक। पहले उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर आपका अपघटक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। केवल हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 6% हम लोग और करेंगे, तो कुल मिला के आज आपके लगभग 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन और करेंगे तो 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कोई बात नहीं मेधा मिश्रा। अच्छा आर्मी की तैयारी आप कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल आर्मी की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, चिंता मत करिएगा। साक्षी अग्रहरी करिए सर जी, आपके बिना पढ़े सर जी मजा नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? इम्पोर्टेंट आपका इम्पोर्टेंट, और इसमें आप लोग गच्चा खाते हो, क्योंकि एक तो यहाँ पर पूनम जैन, राधे राधे पूनम जैन, अजैविक लिखा है और एक यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यानी कि इससे आपको समझ में आ जाएगा अजैविक घटक नहीं है, यानी कि ये तय हुआ कि वह चीज आपकी जैविक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जैविक, यानी कि उसके अंदर जीव होना चाहिए, जीव उसके अंदर जीव होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका है कवक। कवक जो आपके कवक होते ना, कवक उसके अंदर जीव पाया जाता आपका, है ना, वो आपका जैविक घटक आपका कहलाता है, बाकी चीजें आपकी अजैविक आपकी कहलाती है। जल्दी चलिए अगला क्वेश्चन। अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है चुपचाप जल्दी से लाइक कर दो, तुम लोगों की कुटाई होगी, नहीं तो ध्यान देना तुम लोग मक्कारी करते हो बहुत ज़्यादा। अगर लाइक नहीं किए होगे कुटाई होगी तुम लोगों की, जल्दी जल्दी से लाइक करो, कूटे जाओगे नहीं तो तुम लोग। अच्छा आप लोग कवक जानते हो? कवक क्या होता है? क्यों आप लोग कवक जानते हो? कवक कवक आपका होता क्या है? तो कवक जो आपका होता है वो आपका होता है फंगस। क्या होता है आपका? फंगी। कवक आपका होता है फंगी, जिसको हम लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कुकुरमुत्ता, है ना, फंगी होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह से आपका ये बना होता है, इसके ऊपर ऐसे आपकी टोपी बनी होती है, ऐसे इसके ऊपर टोपी लगी होती है, व्हाइट कलर का होता है, सफेद सफेद आपका होता है, इसके ऊपर ऐसे आपकी टोपी भी लगी होती है, और सामान्य तौर से बरसात के दिनों में आपका बहुत ज्यादा आपका पाया जाता है। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर आपका क्या रहेगा?
इसमें आप लोग खाते हो गच्चा। क्या खाते हैं आप लोग? गच्चा। देखिएगा गच्चा खाओगे, क्यों खाओगे आप लोग जवाब करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आप गच्चा क्यों खाते हो। इसका जो आपका आंसर होगा ना, लवी राजपूत कह रही है हमारे मौन व्रत हो गया है आज तो दीदी, वर्ड भी नहीं बोल पा रहे हैं अपन। लवी राजपूत कह रही है आज मैं दीदी बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा। हाँ वो बात अलग है कि मैं जीजा तो बोल लेता हूँ, जीजा एकदम, मैं एकदम सही आवाज में जीजा बोलती हूँ, एकदम करेक्ट आवाज में जीजू, वो भी जीजा नहीं, हेलो जीजू कैसे हो, सब बढ़िया। जीजू आप आए नहीं, इतने दिन हो गए अभी तक, कितने दिन हो गए अभी तक। हाँ नहीं जीजू हम आपसे बात नहीं करेंगे आज के बाद, कितने दिन हो गए अभी तक आप आए नहीं जीजू। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर जो आपका होगा, सबसे ऊपर जो आपका रहेगा, वो आपका रहेगा क्या? मांसाहारी। मांसाहारी आपका सबसे ऊपर आपका रहेगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, पेपर में आपका ये कई बार आपका आ चुका है मांसाहारी। बाकी इसकी मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा तो थ्योरी के माध्यम से आपकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, दोपहर 2 बजे वाली क्लास में आपको ये चीज़ समझा दूंगा कैसे इसका आंसर आया। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जवाब करिए जल्दी से, पढ़िए जल्दी जवाब। हाँ कोई बात नहीं किरण राय जी, बहुत बढ़िया किरण राय, रेखा सागर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? इकोलॉजी सिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इकोलॉजी सिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका क्या होता है, बताएगा जल्दी से। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, मुख्य स्रोत आपका होता है सूर्य का प्रकाश, विकल्प नंबर आपका बी सही है। अगला चलिएगा, 3 क्वेश्चंस आपके और बचे हैं, फिर क्लास आपकी पूरी हो जाएगी, 3 क्वेश्चन के बाद क्लास आपकी पूरी हो जाएगी, बताएगा। चलिएगा, नाम का महेश्वरी और क्या, तुम्हें क्या लगता है? खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? अन्नू जवाब करेगा, अन्नू करिए जवाब जल्दी से। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अक्सर यहाँ से आप लोग गच्चा खाते हो, इसमें अक्सर आप लोग गच्चा खाते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका रहेगा क्या? जैव सांद्रण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि जब जैव रासायनिक आपके एकत्रित हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं जैव सांद्रण, बायो कंसंट्रेशन। रेखा सागर कह रही है सर जी को तजुर्बा है दीदी, सर जी को क्या तजुर्बा है, मुझे तो कोई नहीं बुलाता ऐसे, मुझे तो खैर कोई नहीं बुलाता ऐसे। आगे चलेगा, ये देखिएगा अनुपम यादव की मक्कारी, देखिए अनुपम यादव की मक्कारी की, देखिए सर जी अनाम का, सर जी जितना भी बोलते हैं खुद पर बीता हुआ बोलते हैं, देखो मक्कारी चरम सीमा पर लड़की की। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? इकोलॉजी वर्ड जो आपका है उसका गठन किसने किया है, बताएगा। एक्चुअली ये पारितंत्र का मतलब ही आपका होता है परिसी तंत्र, मैंने आपको कई बार बताया, कंफ्यूजन मत करना। इसी का मतलब आपका होता है परिस्थिति तंत्र, चीजें आपकी एक ही है। तो इसका जो आपका आंसर है ना, वो आपका है क्या? ए जी टांसले। टांसले का पूरा नाम आपका क्या है? ए जी टांसले, ए जी टांसले। अब मेरी तबीयत एकदम सही हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कुमारी पूनम एकदम बेहतरीन, लल्लन टॉप, चिंता मत करिए। आगे चलिए, ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है, बताइएगा पर्यावरण के जैविक घटक में कौन सी चीज सम्मिलित होती है? हाँ बताइए
एकता सिंह कह रही है, सर जी महिला समानता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब ये क्या होता है महिला समानता दिवस, मतलब महिला पुरुष बराबर बराबर हो गए क्या? क्यों महिला और पुरुष बराबर बराबर हो गए क्या? मतलब महिला बराबर पुरुष क्यों? एकता बस आज से फिर हम आपसे पुरुष कहेंगे, आज से आपको हम पुरुष कहना चालू, बताओ डन? तो इसका आंसर जो आपका रहेगा कुमारी पूनम जी, पर्यावरण की जैविक घटक में सम्मिलित आपका है क्या, वो आपका भूमि वायु पौधे जल। तो जैविक घटक में जो चीजें शामिल आपकी होती हैं वो आपकी होती है पौधा। विकल्प नंबर सी आपका सही है, सी आंसर आपका सही है। ठीक चलिए आगे चलें। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता सिंह जी, भू परिसी तंत्र में इकोलॉजी सिस्टम में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये तो आप लोग बताइए, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। रेखा सागर अभी तो खैर नहीं होगी बिल्कुल भी, और अगर होगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन अभी क्लास तो बिल्कुल भी नहीं होगी वहां पर। इसका आंसर आपका है सूरज। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो आपका अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग देखिए जवाब करिए। और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आपकी ये, जवाब करिएगा जल्दी जल्दी से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर आपका है 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका पारित हुआ, ये आंसर आपका सही है। क्लास आपकी पूरी हो गई, आपको कुछ कहना है तो बताएगा। लवी राजपूत कह रही है एक महिला बराबर चार पुरुष, तेरे की मतलब एक महिला चार पुरुष, इसका मतलब ये क्या हुआ? एक महिला को चार पुरुष की जरूरत है, ऐसा कुछ है क्या? तो एक महिला को चार पुरुष की जरूरत है, तुम लोग भी ना। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा 1986, बाकी क्लास आपकी पूरी हो चुकी है, आपको कुछ कहना है कोई क्वेरी है तो बताएगा मुझे। अच्छा टाइमिंग बतानी, हाँ साक्षी अग्रहरी करी थी सर जी टाइमिंग बताएगा, टाइमिंग आपकी ये है, टाइमिंग एक क्लास आपकी होगी अभी 12 बजे, 12 PM पर और 2 PM पर, है ना, ये आपकी हो गई है। फिर आपका रहेगा शाम में क्लास, इवनिंग में रहेगा आपका 6 PM बाल विकास, है ना, और आपका रात में 10 बजे 10 PM आपका हिंदी, 10 PM आपका हिंदी रहेगा, ठीक है ना। चलिए क्लास आपकी पूरी हो गई, आप बताएगा आपको कुछ कहना है। सत्तावन नंबर का थोड़ा सा समझा दीजिएगा, 57 नंबर वो तो अब चला गया होगा, कल पूछ लेना वर्णेश कुमार, कल पूछ लेना, है ना वर्णेश कुमार, कल पूछ लेना, चिंता मत करिए आप लोग। चलिए फिर आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, हम लोग मिलते हैं 12 PM 12 PM पर हम लोग मिलते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करिए।